हर हर महादेव। सूर्यकांत शुक्ल जी का प्रश्न है कि हमने सुना है कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में देवताओं का पूजन नहीं करते हैं, तो क्या उनको देवताओं का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका शास्त्रीय पक्ष क्या है, कृपया बतलावें। देखिए, जिनका पूजन प्रारंभ हो गया या जो नित्य कर्म है वो कभी भी बाधित नहीं होता है। देखिए, संध्या का भी आशौच काल में भी किसी न किसी रूप में, संक्षिप्त रूप में बिल्कुल उसको रखा ही गया है, कभी भी संध्या सर्वथा त्याज्य नहीं है। इसी तरीके से जो भी षट कर्म है, संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानांच पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने, ये षट कर्म कभी भी किसी श्राद्धादि में भी वर्जित नहीं है। अगर कोई आशौच हो गया है तो देव मूर्ति का स्पर्श मना किया गया है, तो तब किसी दूसरे से उन विग्रहों का पूजन करवाया जाता है, दूसरे गोत्र वालों से। और संध्या स्नान और कुछ गायत्रीम तु दशधा जपेत जप आदि ये कृत्य तो आशौच में भी होते ही हैं। तो ये कहना कि श्राद्ध में और किसी देवता का पूजन नहीं होना चाहिए या नहीं होता है, ये बात तो कोई युक्ति युक्त नहीं है, ऐसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई है। और जहाँ जिस देश में या जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कदापि भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें कि श्राद्ध प्रारंभ करने से पहले ही भगवान विष्णु का पूजन लिखा रहता है। कोई भी आप श्राद्ध करेंगे, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध या शरणवती श्राद्धों में कौन सा भी श्राद्ध करेंगे, तो उसमें लिखा रहता है कि जो है भूमि पत्नी सहित भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करिए, शालक ग्राम का पूजन करिए। ये तो श्राद्ध में बीच में होता है, और शुरुआत में भी श्राद्ध शुरू कहां से होता है कि श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा और ध्यात्वा देवम गदाधरम स्वपितरीन मनसा ध्यात्वा तथा श्राद्धम समाचरे। तो भगवान का स्मरण पूर्वक तो शुरू ही किया जाता है, और हर श्राद्ध में भगवान विष्णु का पूजन, शालक ग्राम आदि का पूजन बेहत है। और तो और हर श्राद्ध में विश्वेदेव होते हैं, एकोदिष्टादि कुछ श्राद्धों को छोड़ करके बाकी के हर श्राद्ध में विश्वेदेव होते हैं, तो वो देवता ही है ना, विश्वेदेव। और हर श्राद्ध में दो विश्वेदेव होते हैं, कहीं तो ये है कि प्रतिपार्वण विश्वेदेव पृथक पृथक हो, और यदि ऐसा नहीं कर सकता है तो विकल्प फिर दिया है कि चलो सभी पार्वणों के निमित्त तो दो विश्वेदेव रख लीजिए, नहीं प्रतिपार्वण दो दो विश्वेदेव होते हैं। और वचन है कि हर श्राद्ध में अलग अलग नाम वाले विश्वेदेव होते हैं। भगवान कात्यायन का वचन है, वीर मित्रोदय में भी दिया गया है, श्राद्ध प्रकाश में है, इष्ट श्राद्धे कर्तुर दक्ष सत्यो नांदी मुखे वसु नैमित्त के काम कालव काम्ये च धूरि लोचनव पुरूरवाद्रवौ चैव पार्वणे समुदाहृतौ। ये जो बतला रहे हैं कि नांदी श्राद्ध में जो है विश्वेदेव रहते हैं, उनका नाम है सत्य और वसु, और इष्टि आदि श्राद्धों में क्रतु और दक्ष नाम से विश्वेदेव होते हैं, और नैमित्तिक समस्त श्राद्धों में काम और काल नाम से विश्वेदेव होते हैं। और काम में श्राद्ध, किसी कामना से श्राद्ध किए जा रहे हैं, तो काम्य धूरि लोचन, धूरि और लोचन नाम के विश्वेदेव होते हैं। और पार्वण श्राद्धों में पुरूरवाद्रवौ, पुरूरवा और आद्रव नाम के विश्वेदेव होते हैं। तो इस तरीके से हर श्राद्ध में विश्वेदेव होते हैं, और जिनका नित्य पूजन प्रारंभ हो गया किसी अर्चा विग्रह का, देव मूर्ति का,
है ना, प्रतिमा का पूजन प्रारंभ है, तो फिर वो बीच में छोड़ना अपराध बतलाया गया है कि एक दिन की पूजा छूट जाए तो ये प्रायश्चित करे, दो दिन की छूट जाए तो ऐसा प्रायश्चित करे, महीना भर की हो जाए या जो है 15 दिन की हो जाए, इतने दिन की हो जाए तो फिर पुनः प्रतिष्ठा करे या प्रोक्षण विधि करे या प्रायश्चित करे, इतना भोग लगाए, ऐसा ऐसा जप तप करवाए, ऐसा अघोर मंत्र का हवन करे, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में है, वो विषय अलग है, तो वहां ये निश्चित है। इसलिए पूजा बंद करना ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, जिस क्षेत्र में या जो लोग जो है श्राद्ध पक्ष में ये जो देव पूजन का निषेध करते हैं वो शास्त्रीय बात नहीं है, ऐसे वचन शास्त्रों में कहीं भी नहीं है कि देव पूजन को रोक दिया जाए। देव पूजन तो सदा ही होना है, और श्राद्ध का काल अलग है, देव पूजन का समय अलग है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। श्राद्धकर्ता के लिए जहाँ भी जो निषेध बताया है, हमने पीछे की वीडियो में बतलाया है कि श्राद्धकर्ता किन नियमों का पालन करे और श्राद्ध भोक्ता किन नियमों का पालन करे, तो कर्ता भोक्ता के दोनों के ही नियमों में ऐसा नहीं आया है कि वो देव पूजन नहीं करे। देव पूजन तो कर सकते हैं, चाहे वो पाक्षिक श्राद्ध कर रहे हैं, पाक्षिक महालय कर रहे हैं, या सकृत महालय कर रहे हैं, या किसी और अन्य पक्षों का आश्रय लेकर के, पंचम्यादि पक्षों का आश्रय लेकर के महालय श्राद्ध कर रहे हैं, पर किसी भी पक्ष में चाहे महालय श्राद्ध पक्ष में जो है, पूरे पाक्षिक श्राद्ध में, पितृपक्ष में या अन्य श्राद्धों में भी कहीं भी किसी भी रूप से ऐसा नहीं है कि देव पूजन नहीं कर सकता। हाँ, उसको आशौच आदि लगा हुआ है, किसी के यहाँ कोई आशौच हो गया, जलना शौच या मरना शौच, उस समय देव विग्रह को छूना, दर्शन करना, पूजन करना वो सब मना है, बाकी का श्राद्धों में नहीं है। हर हर महादेव।